जी किस तरह से देखते हैं सदस्यता को जो है छीन लिया गया है राहुल गांधी? ये जो सदस्यता राहुल गांधी की रद्द की गई है गैर कानूनी है। लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी है नोटिस दे। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं एमपी, उनका पक्ष सुने, पक्ष सुनने के बाद आप लेते ना एक्शन। आज ओम बिरला जी ने साबित कर दिया अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष ने, कि वो नियमों के विपरीत जाके काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे वो साबित हो गए कि भाई ये हमारा माइक बंद करते हैं। और इसके अंदर तो ये भी है कि जो है नियम के अनुसार तो अभी तक जो फैसले को सुरक्षित रखा गया, आखिरी फैसले तक इस प्रकार की कोई प्रावधान भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का फैसला लिया गया। देखिए, जो फैसला लिया गया उस फैसले का पूरे देश में विरोध है। जनता की समझ में आ गई कि राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आगे की रणनीति तो दिल्ली डिसाइड करेगी। हम तो सड़कों पर लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तैयार है। तो जिस तरह से देखते हैं हमारे साथ में कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास थे, उन्होंने भी कह दिया कि जिस तरह से ये नीति, ये फैसला लिया गया है, ये सरासर गलत है। और देखना ये होगा कि अब जो है दिल्ली के अंदर क्या रणनीति कांग्रेस सरकार तय करेगी। तमाम नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर एकत्रित हो रहे हैं और देखना ये भी होगा कि वहाँ से क्या निकल कर आने वाला है सामने, क्योंकि अब तो जो फैसले लिए गए हैं उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और तमाम जो है कांग्रेस के बड़े लीडर यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी बात पूर्ण रूप से रखने के लिए। लेकिन अब जो है ये भी देखना होगा कि अब क्या किया जाएगा। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक माव, नवतेज टीवी जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।